अगर आप इस वीडियो के कोई पर्टिकुलर पार्ट को ही देखना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर अभी टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, आप वहां तक वीडियो फॉरवर्ड करके वो पर्टिकुलर पार्ट देख सकते हैं। हावेवर आई सजेस्ट आप पूरा वीडियो देखें। हे रे गाइस, थैंक यू ऑल सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड टुडेज गेस्ट इज वेरी स्पेशल। ही इज़ अ फिटनेस फ्रीक एंड अ जिम एंथुजियास्ट, मिस्टर अर्जुन। एंड अगर आप इनका पेज चेकआउट करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फॉर होल ऑल दोस ऑफ यू हु आर इनटू फिटनेस एंड आर इनटू जिमिंग कैन फॉलो हिज पेज। ही डज अमेजिंग स्टफ। और शायद प्रोबेबली नेक्स्ट व्लॉग ये आएगा दैट ही इज़ कोचिंग मी अबाउट ऑल द फिटनेस थिंग्स एंड अदर थिंग, बिकॉज एज यू कैन सी आई हैव लॉट ऑफ नीड फॉर इट। तो चलिए अभी मैं अर्जुन को माइक देता हूँ और उनसे जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस, उन्होंने ऑब्वियसली हमारे पास गाड़ी बनाई है, उनका एक्सपीरियंस और उनको कैसी लगी गाड़ी। लेट्स हियर इट फ्रॉम स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। सो हाय, हेलो एवरीवन। सो आई यूज टू वॉच रैंडम वीडियोज ऑन द यूट्यूब अबाउट द कार मॉडिफिकेशन एंड एवरीथिंग, बिकॉज आई यूज टू लाइक कार मॉडिफिकेशन एंड आई एम अ कार लवर बेसिकली। सो आई हैड नो आइडिया दैट आई शुड कस्टमाइज माई कार, बट आई यूज टू लव माई कार। But randomly I came upon his channel and I saw his stuff he used to do, and I saw that he used to make every car different. That's his best feature I liked about it, that he never used to do the same modification in the every car or anything same. He used to represent the owner of the car through modification, through customization you can say. So what I liked, actually I'm a black lover, so I like the black color. So he suggested me, your car is white and already we can do some black work and you have to add a little bit red in it. So I was like okay, and his confidence was much high that I don't have to doubt him at any time. You just have to give him the car and he will do his work and you will be amazed. I'm guaranteeing you, you will be amazed after seeing the car. And after that, not only he will do the modification according to him, he will represent you like your hobbies or anything, your passion or anything. He will make the car in such a way that car, wherever the car will go, you will get the reactions and it will be a head turning car always. That's it. So thank you Arjun for these lovely words. और दोस्तों चलिए अभी चल के हम एक गाड़ी का walk around देखते हैं और हम आपको बताते हैं कि हमने क्या क्या अर्जुन की कार में किया है। ये जो क्लिप आप अभी देख रहे हैं ये 20 डेज प्रायर की क्लिप है और आप जैसा कि देख सकते हैं हमने कुछ अमाउंट ऑफ काम इस गाड़ी में कर दिया है और गाड़ी की हालत काफ़ी ज़्यादा खस्ता है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये गाड़ी दोस्तों ऑलरेडी एक बार पेंट हो चुकी है, जो कि ऑब्वियसली हमने नहीं की है, बट ऐसा कुछ कंडीशन है गाड़ी का। अब दोस्तों एक्शन प्लान ये गाड़ी के साथ ये है कि जो इसका फेंडर है, फ्रंट राइट फेंडर, वो हमें रिप्लेस करना है, रिस्टोर करना है। पीछे का बम्पर हमें रीपेंट करना है। देन जो इसकी बूटलिट है वो हमें पेंट करनी है और जो फ्रंट बम्पर है वो भी हमें पेंट करना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी पर एक पूरा पीलापन छा गया है और काफ़ी ज़्यादा इसमें डलनेस आ गई है, तो हमें वी नीड टू रिकवर दैट ओल्ड शाइन बैक। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रोम भी हम पूरा किल कर देने वाले हैं और इसमें हमारे स्टाइल में इसे थोड़ा सा हम क्या कहते हैं ना, न्यू ब्रिंगिंग इट बैक टू लाइफ वाला हिसाब होने वाला है इस गाड़ी पे। तो आप जैसे कि यहाँ पर ये कंडीशन तो देख ही चुके हैं, तो सीधा अभी हम फॉरवर्ड करते हैं 20 डेज और आपको दिखाते हैं इसकी आफ्टर कंडीशन।
सो गाइस, आज थोड़ा सा वीडियो अलग करते हैं और साइड से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि साइड में क्या क्या चेंज किया है। जैसा कि आप प्रीवियस क्लिप में देख चुके हैं कि जो फ्रंट का फेंडर है वो हमने रिस्टोर किया है, रीपेंट किया है, देन फ्रंट बम्पर रीपेंट किया है, रियर बम्पर भी हमने रीपेंट किया है। अब आते हैं कस्टमाइजेशन पे। सिंस प्रोबेबली बाय नाउ एवरी वन ऑफ यू नो दैट वी हेट क्रोम, तो अगर आप देखें जो क्रोम डोर हैंडल्स हैं और जो क्रोम के सिल हैं वो हमने कम्प्लीटली क्रोम किल कर दिया है। देन साइड में अगर आप देखें तो एलॉय व्हील्स ये हमने ब्लैक नहीं किए, ऑलरेडी ब्लैक थे, हमने खाली उसके अंदर एक्सेंट्स जो हैं आप ये देख रहे हैं वो हमने एक्सेंट्स इसके अंदर ट्रीट किए हैं। देन साइड में अगर आप देखें तो प्रीडेटर का फुल लेंथ स्प्लिटर आपको देखने मिल जाएगा, जो कि अगेन आर्किटेक्चरल अलॉय का स्प्लिटर है। दोस्तों बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये स्प्लिटर लगाने के बाद क्या हमारा ग्राउंड क्लियरेंस कॉम्प्रोमाइज़ होता है या नहीं होता है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये स्प्लिटर की जो लेंथ है वो खाली 3 mm की लेंथ है। 3 mm की लेंथ होने की वजह से जो गाड़ी का सबसे लोएस्ट पॉइंट है इस गाड़ी के केस में, यहाँ पर फ्रंट मड फ्लैप, रियर व्हील का फ्रंट मड फ्लैप लोएस्ट पॉइंट है गाड़ी का, तो ये स्प्लिटर वो लोएस्ट पॉइंट से ऊपर ही रहता है। तो कहने का मतलब है कि कभी भी आपका ग्राउंड क्लियरेंस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अगर कुछ टच होगा कभी भी स्पीड ब्रेकर वगैरह में तो आपकी गाड़ी का लोएस्ट पॉइंट टच होता है, जो कि ये लोएस्ट पॉइंट नहीं है। देन साइड में दोस्तों यहाँ पर भी क्रोम वगैरह की डोर वाइजर्स थे, उसको भी हमने रेड से हाईलाइट कर दिया है, एंड देन एक स्लीक रेड लाइन यहाँ पर दी हुई है जस्ट टू गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ पॉप फ्रॉम द साइड। एंड इफ़ यू सी द कार फ्रॉम द साइड व्यू यू विल कम टू सी दैट आफ्टर डूइंग सच चेंजेस टू द कार द लेंथ ऑफ द कार हैज़ प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज्ड। इवन दो गाड़ी की लेंथ बढ़ाई नहीं गई है दोस्तों, बट ये छोटे मोटे सटल चेंजेस करने के बाद ऐसा लगता है कि गाड़ी थोड़ी लंबी हो गई है। देन चलिए अभी आपको पीछे की तरफ से दिखाते हैं कि हमने पीछे क्या क्या उसके अंदर चेंजेस किए हैं। तो दोस्तों सबसे मेन पीछे का अट्रैक्टिव फीचर दैट इज़ द टेल लाइट टिंटिंग। बहुत सारे लोग पूछते हैं दोस्तों क्या टेल लाइट टिंटिंग लीगल है या नहीं, हमें टेल लाइट टिंट करनी चाहिए। तो अगर आप दोस्तों ये देखें तो हमने जहाँ पर से राइट रिफ्लेक्ट होती है वो एरिया को हमने कटआउट कर दिया है, जिससे आपकी जो लाइट का लुमिनेंस है वो लुमिनेंस आपको प्रॉपरली मिल जाए। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ही लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होती है और वही रिफ्लेक्शन आपको पूरी तरीके से बाहर आती है और वो लाइट में थरा भी टिंटिंग जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता है। देन सेकेंड थिंग अगेन, जो क्रोम का बूट लिड के ऊपर क्रोम आता है वो भी हमने क्रोम किल कर दिया है विथ द मोनोग्राम्स। गाड़ी के जितने भी मोनोग्राम्स हैं वो मैट ब्लैक हमने स्प्रे कर दिए हैं और किल कर दिए हैं क्रोम। देन एस लोगो थोड़ा सा हमने अलग डिज़ाइन देके थोड़ा सा उसे पॉप करने की कोशिश की है। और ये जो अभी हमने न्यू डिफ्यूज़र चालू किया है स्टेज 2 के अंदर, पहले दोस्तों 4 पीस में आपको 5 इन का डिफ्यूज़र आता था विद द बेस प्लेट, बट हमने कस्टमर फीडबैक के बेस पे बेस प्लेट निकाल दी है, 7 पीस हमने यहाँ पे फिन्स दे दिए हैं और साथ में रेयर बम्पर कैनार्ड्स दे दिए हैं। अगेन दीज रेयर बम्पर कैनार्ड्स आर एडजस्टेबल, यहाँ पे एडजस्टमेंट का स्क्रू दिया हुआ है, आप अंदर बाहर करके इसका एडजस्टमेंट चेंज कर सकते हैं। एंड ये भी अगेन दोस्तों आपकी गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आपको गाड़ी कहीं पर टच नहीं होगी बिकॉज अगेन ये लोएस्ट पॉइंट से ऊपर हैं और अगेन दीज आर मेड फ्रॉम आर्किटेक्चुरल अलॉय, सो डैमेज इज़ नॉट एन इशू। एंड इवन इन केस अगर कोई एक आधा पार्ट कहीं डैमेज भी हो जाता है तो हमारे पास वो पार्ट ऑलवेज अवेलेबल होगा एज वी आर द मैन्युफैक्चर फॉर दिस किट। गाइस ऐसा कुछ इस गाड़ी का फ्रंट दिख रहा है जो दैट टर्न्ड आउट वेरी वेल। अभी इसमें थोड़ा सा काम बाकी है जैसा कि आप देख सकते हैं, बट फिलहाल गाड़ी कुछ इस तरीके से दिख रही है। एक बार जब गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी फ्रंट एंड से भी तो भी एक आपको मैं बता दूंगा क्या क्या नए अपडेट्स हैं, बिकॉज कुछ पार्ट्स हमने ऑर्डर किए हैं अभी तक वो आए नहीं हैं और इंस्टॉल नहीं हुए हैं, बट दिस इज़ हाउ द फ्रंट इज़ लुकिंग करेंटली। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमने मैट ब्लैक स्प्रे किया है टू कॉम्प्लीमेंट द मैट ब्लैक ऑन द प्रीडेटर किट, एंड देन द एस लोगो अगेन हैज़ बीन ट्रीटेड विद द सेम रेड रेडियम दैट इज़ देयर ऑन द प्रीडेटर किट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेसेस, दोस्तों ब्रेसेस का कन्फ्यूजन ऐसा है जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है दैट द ब्रेसेस इज इंक्लूडेड इन द किट, बट द ब्रेसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द किट, दोज आर ऑप्शनल एक्स्ट्रा।
So guys, another thing that we have done to Arjun's car is that we have added his surname on the grill, and this is again done in stainless steel, and the name is etched onto it, and after that it has been painted. और आप जैसा देख सकते हैं दोस्तों, एक गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव लुक दे रहा है ये आगे से, एंड सियाज का पूरा कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है आगे से. सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाउ आर यू फाइंडिंग दीज लाइट मॉडिफिकेशन. सो गाइस, ये थी सियाज. ये गाड़ी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अर्जुन को फॉलो करना ना भूलिए. उनका चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पोर्शन में मिल जाएगा. सो दैट्स इट फॉर द डे. होप सो यू गाइस लाइक द कार. और मेरे चैनल पे भी एक कार का रिव्यू होगा या ओवरलुक होगा और एक वीडियो होगा, और मेरे भी काफ़ी व्लॉग्स आते रहते हैं. तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो एज वेल एज विनय कपूर, ओके, द मैन बिहाइंड द सीन्स, द इम्पोर्टेंट मैन. सी यू सून. थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग.